तो मुझे पता है कि आज की वीडियो तुम लोगों के लिए मोस्ट ओवररेटेड वीडियो है, बिकॉज आज के वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ पुणे का मोस्ट फेमस कॉलेज का कैंपस टूर व्लॉग, जो कि है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को दो बातें बताना चाहता हूँ। फर्स्ट, आई एम यूजिंग दिस मैप टू मेक इट इजियर फॉर यू टू फॉलो मी थ्रू आउट द कैंपस। सेकंड, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम लोगों की हेल्प करूँ एडमिशन से रिलेटेड में, या कोई भी क्वेरी सॉल्व करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, जाके फिल आउट कर देना एंड तुम लोगों को मेरी तरफ से कॉल आ जाएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो आज मैं आ गया हूँ MIT WPU में, एंड आज के वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ डिटेल कैंपस टूर व्लॉग्स के बारे में। एज ऑलवेज नमस्ते भाई, उनके बहनों, मैं हूँ आपका PM व्लॉग। आइए कुछ नहीं देखते। ओके, सो अभी मैं जो खड़ा हूँ ना, वो है MIT WPU का एंट्रेंस, एंड यहाँ पे तुम लोग जैसे कि देख सकते हैं मेरे राइट साइड में तुम लोगों को एक गंगा करके एक बिल्डिंग मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे भी बिल्डिंग्स में बता रहा हूँ ना, वहाँ पे हर एक किसी का नाम है। गंगा हो गया, सरस्वती हो गया, चाणक्य हो गया, ऐसे नाम रखे हुए हैं। ठीक है, और ये कैंपस में निकल बहुत सारी चीजें, एक्स्ट्रा चीजें जो मैं तुम लोगों को बताऊंगा ये वाले वीडियोज में। तो जैसे तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, तुम लोगों को बैंक ऑफ इंडिया का ATM भी मिल जाता है। अगर भाई तुम्हारे पास कैश रोकड़ा चाहिए तुम लोगों को, तो यहाँ से तुम लोग निकाल सकते हो। ठीक है, ओके, सो अपनी जो सबसे पहली वाली बिल्डिंग आती है ना, वो है विश्वकर्मा, यानी कि WPU स्कूल ऑफ डिजाइन। अभी जैसे ये विश्वकर्मा के सामने तुम लोग देखते हो ना, तो यहाँ पे तुम लोगों को मिल जाता है गंगा वाली बिल्डिंग। ठीक है, जहाँ पे होता है BBA, और उसके नीचे तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का ATM भी मिल जाता है। ठीक है, ओके, सो अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ आगे की जो सरस्वती बिल्डिंग है वो। थोड़ा सा सामने आने के बाद नहीं, तुम लोगों को यहाँ पे सरस्वती वाली बिल्डिंग मिल जाती है जहाँ पे होता है BCOM। अब मैं आगे बताता हूँ इसकी पार्किंग एरिया कहाँ पे है, फिर ग्लोब के पास चलते अपन, एंड बाकी पूरा कैंपस बताता हूँ। चलो, सो थोड़ा सा सामने आने के बाद नहीं क्या, तुम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है 2-wheeler की पार्किंग मेरे राइट साइड में, एंड मेरे जो लेफ्ट साइड में तुम लोगों को मिलता है यहाँ पे 4-wheeler की पार्किंग, जहाँ पे अपनी गाड़ी तुम लोग पार्क कर सकते हो। आ जाओ सामने, मैं बताता हूँ। ओके, सो जैसे तुम लोग थोड़ा सा आगे आते हो ना, तो तुम्हारे यहाँ पे जो मेरे लेफ्ट साइड में जो बिल्डिंग देख रहे हो बड़ी वाली, वो है पॉलीटेक्निक वाली बिल्डिंग, और जिसको नाम से पुकारते हैं आतरी। अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ भाई कैंटीन वगैरह किधर है, एंड एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, वो भी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। ओके, सो थोड़ा सा तुम लोग यहाँ से लेफ्ट लेते हो ना, तो यहाँ पे तुम लोगों को एक सिराज करके एक बिल्डिंग मिलती है, जो कि एक कैंटीन है। ठीक है, अब उसके सामने तुम लोग देखते हो ना, यहाँ पे बहुत बड़ी एक ग्लोब जैसा तुम लोगों को दिख रहा है, वो है लाइब्रेरी। भाई लेजिट इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, मैंने नहीं देखी कोई भी कॉलेज में। अभी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ अवंती वाली बिल्डिंग, जहाँ पे होता है बायोटेक्नोलॉजी। आज वो मैं दिखाता हूँ, और तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो ना, यहाँ पे छोटे छोटे नहीं गए, तुम लोगों को बेंचेस भी बना लगा के रखे, ताकि तुम लोग बंक करके यहाँ आके बैठ सको। मजाक कर रहा हूँ, बंक मत पे यार। तो मैं पीछे तुम लोग देख सकते हो, ये है वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी का, इसको देख के समझ सकते हो भाई ग्लोब है और उसके ऊपर एक पंछी है, ये सिग्निफाइड करता है कि भाई पीस है, तो इसलिए बोलते हैं वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, यहाँ से अगर तुम लोग लेफ्ट लेते हो ना, ऊपर जाने का रास्ता है, एंड ये वाली जो तुम लोग बिल्डिंग देख रहे हो ना, वो है अवंती वाली बिल्डिंग, एंड मेरे सामने जो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे है अथरी, जहाँ पे स्कूल ऑफ पॉलीटेक्निक है, मतलब पॉलीटेक्निक्स वगैरह होता है। और उसी के साथ में नहीं क्या, तुम लोगों को यहाँ पे 2-wheeler की पार्किंग एरिया भी मिल जाएगी। ओके, जैसे तुम लोग थोड़ा सा आगे होते ना बॉस, यहाँ पे नहीं क्या, तुम्हारे पास तीन रास्ते जाते हैं, एक राइट, लेफ्ट और एक सीधा। तो अभी अपन चलते हैं राइट साइड में, जहाँ पे है एक पुरानी लाइब्रेरी, वो उसके बारे में बताता हूँ आगे।
सो जैसे कि तुम लोग पीछे देख सकते हो, ये वाली जो बिल्डिंग है इसका नाम है संत ज्ञानेश्वर वर्ल्ड पीस लाइब्रेरी। भाई ये वाली बिल्डिंग सबसे पुरानी है ये MIT कैंपस के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा सामने आओ एंड यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी यहाँ पे तुम लोगों को एंट्री मिल जाता है, ठीक है। उसके सामने इसके जस्ट अपोजिट में तुम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा एक छोटा सा गार्डन, बंक क्लास करते हो तो यहाँ पे तुम आके बैठ सकते हो। सो अभी मैं तुम लोगों को ये जो वर्ल्ड पीस लाइब्रेरी है उसका अंदर से कैसा है दिखता है वो मैं तुम लोगों को फोटो या वीडियो दिखा देता हूँ। तो तुम लोगों ने जैसे कि देखा अभी इसके वीडियोस वगैरह मैंने बताया अंदर से ये एक्चुअल में कैसा दिखता है वर्ल्ड पीस लाइब्रेरी। अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग वगैरह कहाँ पे आता है। अब इसके जस्ट तुम लोग सीधा जाते हो ना तो वहाँ पे है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की बिल्डिंग, आगे मैं बताता हूँ चलो। सो ये जो मैं सामने वाली जो तुम लोग बिल्डिंग देख रहे हो ना वो है भारद्वाज वाली बिल्डिंग, ठीक है। वहाँ पे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग वगैरह होता है। सो और यहाँ पे नहीं क्या तुम लोग जैसे देख सकते हो नीचे साइड में वहाँ पे पीछे साइड भी है पार्किंग एरिया है। तो अब अपन चलते हैं वापिस है इधर साइड में एंड मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ बाकी सब CS वाली बिल्डिंग्स, आई मीन कौन क्लासेस वगैरह कहाँ पे होती है, MBA वगैरह सब यहाँ पे बताता हूँ। तो तुम लोग यहाँ पे मेरे एक और चीज राइट साइड में तुम लोग को बताना भूल गया, यहाँ पे स्कूल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है। ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ना ये वशिष्ठ भी है, ये सामने से मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। तो ये जो पीछे वाला मेरा जो ब्रिज देख रहा हूँ ना इसको MIT WPU का ब्रिज भी बोलते हैं, ठीक है। और मैं सामने तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि मैंने बताया मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाली वशिष्ठ यहाँ पे होता है एंड थोड़ा सा सामने आओ तो तुम लोग को यहाँ पे दिखता है जमदागिनी जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे होता है। सो जैसे ही तुम लोग थोड़ा सा ब्रिज से सामने आते हो ना तो तुम लोगों को मेरे राइट साइड में एक जगह मिल जाती है और यहाँ पे भी एक मंदिर है वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ये वाली जो तुम लोग बिल्डिंग देख रहे हो ना इसका नाम है विवेकानंदा एंड यहाँ पे एक हॉल है वो मैं बताता हूँ चलो। सो जैसे तुम लोग थोड़ा सा अंदर आते हो ना तो तुम लोगों को यहाँ पे मेरे राइट साइड में दो तीन कैफे वगैरह मिल जाते हैं जहाँ पे तुम लोग पेट भर सकते हो अपना एंड यहाँ पे एक फाउंटेन है देख सकते हो। ये जो पीछे वाली जो बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हो वो है विवेकानंदा मैंने बताया एंड यहाँ पे नहीं क्या सिविल इंजीनियरिंग वगैरह भी होता है। अब मैं तुम लोगों को अंदर से वीडियोज वगैरह कुछ है तो मैं वो तुम लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ओके सो जैसे कि अभी मैं तुम लोगों को बताया विवेकानंदा वाली बिल्डिंग, अब यहाँ पे नहीं क्या इसके जस्ट थोड़ा सा अपोजिट जाते हो ना तो यहाँ पे एक हनुमान का मंदिर है। अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे वर्कशॉप डिपार्टमेंट जो है, आ जाओ। तो जैसे तुम लोग थोड़ा सा आगे आते हो ना विवेकानंद वाली बिल्डिंग से तो यहाँ पे तुम लोगों को एक गौतम करके एक वर्कशॉप डिपार्टमेंट मिल जाता है, यहाँ पे मशीन्स वगैरह रखी है, यहाँ पे तुम्हारे लैब्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। इसके जस्ट सामने तुम लोगों को और एक वर्कशॉप मिलता है जिसका नाम है विश्वामित्रा। सो यहाँ पे नहीं क्या एडवांस मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे वर्कशॉप वगैरह होते रहे। आ जाओ अब मैं सामने दिखाता हूँ। ओके सो जैसे कि तुम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और आगे आते हो ना तो यहाँ पे तुम लोगों को दो बिल्डिंग दिखते हैं, एक कश्यप और एक आर्यभट्टा। यहाँ पे तुम लोग जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे स्कूल ऑफ केमिस्ट्री, स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स वाली स्कूल है, इसको सी बिल्डिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तुम लोग देखते हो स्कूल ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की बिल्डिंग है जिसको डी बिल्डिंग भी बोलते हैं। आ जाओ अभी मैंने तुम लोगों को बता दिया आर्यभट्ट एंड कश्यप वाली बिल्डिंग जहाँ पे वर्कशॉप होते हैं और ऊपर लेक्चर्स है। अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ दो बड़ी बिल्डिंग, ठीक है, जो मेन बोलते हैं, ठीक है। एक है गार्गी मेरे जो लेफ्ट साइड में एंड यहाँ पे एक है ध्रुव बिल्डिंग, वो मैं सामने से बताता हूँ तुम लोगों को, बहुत प्यारी बिल्डिंग है। पहले मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को गार्गी वाली बिल्डिंग। सो यहाँ पे नहीं क्या आर्यभट्ट वाली ये जो बिल्डिंग है ये यहाँ तक की है एंड इसके सामने तुम लोग जो देख रहे हो ये है गार्गी बिल्डिंग, यहाँ पे BCA वगैरह सब यहाँ पे होता है, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ धूप वाली बिल्डिंग।
थोड़ा सा सामने आने के बाद निकल, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं लेफ्ट साइड में गार्गी के जस्ट बाजू में निकल, यहाँ पे स्टैचू एंड यहाँ पे बैठने की जगह है। इसके जस्ट सामने में निकल तुम लोगों को मिल जाती है ध्रुव बिल्डिंग, एंड यहाँ पे निकल कंप्यूटर साइंस होता है, प्लस इसके साथ में इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी भी है यहाँ पे। दूसरी वाली जो कैंटीन है वो थोड़ा सामने में, आ जाओ मैं बताता हूँ। सो जैसे तुम लोग थोड़ा सा आगे आते हो ना, तो तुम लोगों को एक यहाँ पे एनकेव का कैफे मिल जाता है, जहाँ पे तुम लोग चिल कर सकते हो एकदम। और यहाँ पे एक है मित्रा करके एक बिल्डिंग है, ये जो मित्रा वाली बिल्डिंग है ना वो एक न्यू बिल्डिंग है, अभी अभी जस्ट बनी है, एंड ये जस्ट ध्रुव वाली बिल्डिंग के जस्ट सामने में, एंड ध्रुव के सामने में तुम लोगों को थोड़ा सा छोटा मोटा गार्डन वगैरह मिल जाते हैं। तुम लोगों को दिखाता हूँ चाणक्य बिल्डिंग। सो जैसे तुम लोग थोड़ा सा आगे आते हो ना, तो यहाँ पे नहीं क्या तुम लोगों को एक स्कूल ऑफ कॉन्शियसनेस वाली एक डिपार्टमेंट मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे नहीं क्या तुम लोगों को फोर व्हीलर की पार्किंग वगैरह भी मिल जाती है। अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ बास्केटबॉल कोर्ट है थोड़ा सामने में, ठीक है, अब मैं तुम लोगों को वहाँ लेके चलता हूँ। जैसे तुम लोग थोड़ा सा आगे आते हो ना, ये चाणक्य वाली बिल्डिंग मैं तुम लोगों को बताता हूँ बाद में। ये प्रयाग वाली जो बिल्डिंग है उसके जस्ट बाजू में देखिए नानक करके एक बिल्डिंग है, जो कि एक गेस्ट हाउस है, एंड उसके सामने में तुम लोगों को यहाँ पे दो बास्केटबॉल कोर्ट यहाँ पे मिल जाते हैं, जहाँ पे तुम लोग जाके खेल सकते हो बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ मेन वाली जो बिल्डिंग जो सबसे ज्यादा सुंदर दिखती है ये वाले कैंपस में, वो है एमबीए वाली बिल्डिंग जिसका नाम है चाणक्य, आ जाओ मैं दिखाता हूँ। ओके, सो जैसे तुम लोग ये प्रयाग वाली जो बिल्डिंग है उसे थोड़ा सा राइट लेते हो एंड सीधा आते हो ना, तो तुम लोगों को एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखती है जिसका नाम है चाणक्य, मैं जो बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, एंड यहाँ पे नहीं क्या एमबीए वगैरह होता है, और यहाँ से तुम लोग अगर सीधा जाते हो ना तो ये एग्जिट हो जाता है, ठीक है, कैंपस का। सो ये था अपना MIT WPU का कैंपस टूर व्लॉग, आई होप तुम लोगों को पसंद आया होगा। अगर कुछ नहीं समझा है या कुछ डिफिकल्टी है एडमिशन प्रोसेस के तरह, तो तुम लोग टेंशन मत लो, डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को एक गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे गूगल फॉर्म फिल कर दो, तुम लोगों को कॉल आ जाएगा मेरी टीम की तरफ से, एंड पूरी क्वेरीज सॉल्व कर दूंगा, टेंशन मत लो। ये वीडियो बस यहाँ तक के रखते हैं, एंड शेयर कर दो अपने दोस्त के साथ जिसको MIT में एडमिशन लेना है। एज ऑलवेज थैंक यू बस एंड दिस, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यूर चैनल, सो मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, बूम।